चलिए देखिएगा, तो x की पावर 75 प्लस 1 बाय x की पावर 75 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आपको ये वाली वैल्यू नहीं, ये देख के रखिए 2 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब यदि ये 2 देख के रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 1 बाय x बराबर होगा रूट 3 के, इसका मतलब कि x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब बराबर होता है 0 के, इसका मतलब कि x की पावर 6 प्लस 1 बराबर होता है 0 के, इसका मतलब x की पावर 6 बराबर होता है माइनस 1 के, ठीक है, बिल्कुल 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 करेक्ट, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, उसको ब्रेक कर रहा हूं, ब्रेक किस में करूं, ब्रेक बिल्कुल करेक्ट 72 में, मतलब x की पावर 6 में करूंगा, किस में करूंगा, x के पावर 6 में। कल का रूल आपको पता ही होगा कि अपन किस में करते हैं, x के पावर 6 में करते हैं, ठीक है। तो यहां पर x के पावर 6 में ब्रेक करूंगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 72 अलग और x के पावर 3 अलग प्लस 1 बाय x के पावर 72 अलग और x के पावर 3 अलग। तो ये क्या हो गया, x के पावर 6 हो गया और वैल्यू क्या है, इवन है, ये क्या है, देखो 72 है, ठीक है, इसको ब्रेक कैसे कर सकते हो, 6 और 12 में, ठीक है, और पावर किस में आ रही, इवन में आ रही, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव साइड हो गया, आप इसको 1 लिख सकते हो और ये भी क्या हो जाएगी, चीज 1 हो जाएगी। देखो एक एक स्टेप करोगे ना तो कॉपी चेक नहीं होती है, आपका केवल 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक चूज करना है। आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है तो मैं थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूँ, डायरेक्ट इन सेंस थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपकी स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी थिंकिंग लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 72 को क्या लिख सकते हैं, 6 और 12, ठीक है, और x के पावर 6 कितनी होती है, माइनस 1 होता है, और माइनस 1 का पावर यदि 12 है तो कितना होगा, 1 होगा, क्यों, क्योंकि पावर क्या है, इवन है, यदि इवन पावर रहती है तो माइनस हो या प्लस, प्लस में आती वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया, इसका मतलब ये भी 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, x की पावर 3 प्लस 1 बाय x की पावर 3, और ये किसके इक्वल आता है, 0 के। कल का होमवर्क जो था खत्म, आया चीज समझ में, ओके ओके ओके। अगला क्वेश्चन अब सबके सामने ये रहा, प्रस्तुत किया जाता है अगला क्वेश्चन, और कहाँ गया यार, ओके देखिएगा, इफ x प्लस 1 बाय x बराबर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय x की पावर 4 इज कितना होगा, माइनस 1 सर पहले वाले का, ओके देख लेते हैं, दिख रहा है ना आपको, जब दिखना बंद हो जाए मेरे को बोल देना, बंद हो गया, बंद हो गया, भूल लग ही रहा था, अब दिख रहा होगा, चलिए जल्दी 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 थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए, दिखना बंद हो तो मेरे को बोल देना, ठीक है, हुआ पहला वाला, हुआ सेकंड वाले का सर 527, ओके
चलो जब तक वो ओपन हो रहा है देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर है 527, इसका ऑप्शन नंबर है कितना बोल रहा था, कितना बोला था किशन सर, माइनस वन, ठीक है, कॉपी में करके कर रहे हो ना? कॉपी में कर रहा हूँ, ठीक है सर। ये फर्स्ट वाले का तो मुझे माइनस वन तो नहीं लग रहा, प्लस वन आ रहा है। हाँ मतलब लग रहा नहीं, लग रहा नहीं, आप अपना आंसर 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 कितना लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी नाइन लिखो, ठीक है ऑप्शन नंबर सी नाइन, प्लस वन, हाँ ये प्लस वन, ओके वन आ गया, ऑप्शन नंबर डी लास्ट, कोई और? जल्दी और किसी का कुछ आया? नीचे वाला नहीं आ रहा, नीचे वाला नहीं आ रहा, ओके आप बोलने के बाद प्लीज माइक बंद कर देना सब। नीचे वाला नहीं, 527 ही आ रहा है, 527 ही आ रहा है, ओके 27 है सर नीचे वाले का, ओके सबका आने लग गया है। अब नोटिस करना थोड़ा सा स्पीड की कमी पड़ रही है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, एक एक स्टेप लिखने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट करो डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है चलिए देखिएगा। अरे यार मैं आपको दूसरे बोर्ड में पढ़ाऊंगा तो वहां तो दिक्कत आएगी, शिट मैं वही यहीं पे करना पड़ेगा, जबरदस्ती इतनी मेहनत कर रहा था। अच्छा हुआ देख लिया, कंट्रोल सी से कॉपी और इसको करो छोटा। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन आप सबके सामने है, ठीक है आपको ये चीज़ देख के रखा है, ये कंडीशन कब होती है, ये वाली कंडीशन कब होती है, जब x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट थ्री होता है, ठीक है। और आपको एक और कंडीशन दे के रखी है, ये वाली कंडीशन कब होती है, जब ये जीरो है तब क्या होगा, x की पावर सिक्स प्लस वन बराबर जीरो, x की पावर सिक्स बराबर माइनस वन, और ये वाली कंडीशन आती है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर, x प्लस वन बाय एक्स की पावर क्या, फोर निकालना है आपको। यदि ये चीज आपको दे के रखी है रूट थ्री एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो ये हो जाएगा आपका की पावर फोर, ठीक है। आप इसको तोड़ सकते हो, x की पावर थ्री का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर जो आएगा नाइन आंसर। ये गलत है किशन सर, ठीक है मेरे को बस ये बात, यहाँ से यहाँ तक क्लियर दिख रहा है ना, जहां तक क्लियर दिखेगा वहीं तक लिख लूंगा, स्क्रीन शॉट ले लिया। अगला ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है फटाफट समझना ताकि आगे आगे चल पाए। आपको ये क्वेश्चन देके रखा है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। ओ नो ओ नो ओ नो, क्या करें। देखिएगा यदि मैं 2x by 3 को y ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि 3 by 2x, यदि 3 by 2x क्या होगा, वन बाय वाई, डेफिनेटली गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय वाई होगा। इसका मतलब कि मैं यहाँ पर यदि इस चीज़ को देखता हूँ तो मेरे को निकालना क्या है, y की पावर 4 माइनस वन बाय वाई की पावर 4, इसका मतलब मेरे को निकालना क्या है, देखना बात समझना गौर से समझना, इसका मतलब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना y की पावर सॉरी 727 गलत है अभी भी, y की पावर 2 प्लस 1 अभी भी गलत है, y की पावर अभी भी गलत है, y की पावर गलत है ना, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, हाँ गलत है अभी भी गलत है अभी गलत है। देखना भाई यदि इसको अपन ब्रेक किसमें कर सकते हैं, ए की पावर 2 हो गया और ए की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी में, ठीक है। ये प्लस वाला लिखा, माइनस वाला क्या होगा, ये हो जाएगा वाई की पावर 2 माइनस वन बाय वाई की पावर 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ समझाया नहीं बस बताया, यहाँ तक किसी को कोई समझ में नहीं आया, ठीक है सबको, ठीक है
तो यहाँ पर मैंने क्या हुआ, बात समझना, ये y की पावर 4 था, 1 बाय y की पावर 4 है, इसको मैंने ब्रेक करा, ये हो गया y की पावर 2, 1 अपॉन y की पावर 2, और ये हो जाएगा y की पावर 2 प्लस 1 बाय y की पावर 2, इसको ब्रेक करा, ये हो गया y माइनस 1 बाय y, और ये हो जाएगा y प्लस 1 बाय y, ये हो जाएगा y की पावर स्क्वायर प्लस 1 बाय y की पावर स्क्वायर, मतलब कि मेरे को इतना सब कुछ निकालना है, 1, 2, 3 चीज निकालनी है, ठीक है। और आपको दे के क्या रखा है, y माइनस 1 बाय y बराबर 5 दे के रखा है, ठीक है। तो यदि ये चीज दे के रखी है, आपको निकालनी क्या, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, इतना सारा सब कुछ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। वही तो है, वही तो फॉर्मेट है, इसी में तो लिखा है, देखना ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका 27, है ना, एन स्क्वायर प्लस 2। अब बात समझना, ये तो हो गया आपका 27, अब मैं बात कर रहा हूं वाई प्लस वन बाय वाई की, क्यों, क्योंकि आपको माइनस दे के रखा है 5, अब आपको प्लस निकालना, प्लस निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, अंडर रूट लगाते हैं, ये मिटा देता हूं, ये अननेसेसरी है, देखिएगा प्लस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, अंडर रूट कितना होगा, अंडर रूट कितना होता था याद होगा आपको, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर है ना 25 प्लस 4, तो ये होता होगा 29, माइनस 4 होता था ना, प्लस, आप माइनस से प्लस में जा रहे हो, माइनस से प्लस में जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास y प्लस 1 बाय वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट 29, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 27, वाई माइनस 1 बाय वाई की वैल्यू आ रही है 5, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 27 इंटू 5 ये हो जाएगा 35, 3 ये हो गया 135, सॉरी हाँ 135, और ये हो जाएगा रूट 29 आंसर। कहाँ गलती कर रहे हो, खेच करो, ठीक है, हाँ एक्चुअली बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। चलिए अगले, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना, यदि नहीं आ रहा हो तो बोलना, ठीक है, क्योंकि अब पेमेंट चालू हो गया, अब तो ये बोलना ही पड़ेगा कि आप लोगों के 500 रुपये लग रहे हैं, ओह शिट, मैं भी क्या चीज़ बोलता हूँ। चलिए देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट, शायद ये मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ाया होगा तो देख लेना, एक्स की एक्स प्लस 1 बाय एक्स बराबर 5 है, ठीक है, देन आपको यदि वैल्यू निकालनी है एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5 की, ठीक है, आपको 1 देके रखा है और 5 निकालना है, आपको 1 देके रखा है 5 निकालना, आपको 1 देके रखा है 5 निकालना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार क्यूब निकालना है, एक बार आपको स्क्वायर निकालना है, एक बार आपको क्यूब निकालना है, एक बार आपको स्क्वायर निकालना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, साथ में माइनस करना है एक्स प्लस 1 बाय एक्स से, यहां पर डायरेक्ट मैं समझा रहा हूं, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट समझ रहे हो, स्टेप एक बार और बताओ, ओके देखो, पंचकोटि महामहि कौन बनेगा करोड़पति, देखो आप सबको पता होगा पांडव 5 थे, ठीक है, ठीक है, अभी भी है, मतलब पांडव 5 है, ठीक है, पांडव 5 में आप सबको यह पता होगा कि उनकी जो पांडव की मां थी, ठीक है, उनसे 3 बच्चे थे और एक से 2 थे, ठीक है, जो 3 थे एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, जिनसे 2 थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, बट जो महाभारत है उसमें कहानी में ट्विस्ट नहीं बोल सकते, कहानी में मोड़ कब आया, मोड़ तब आया जब इन्हीं भाई का एक और मतलब इन्हीं पांडव का एक और भाई पता चला, कौन, कर्ण, ठीक है, ये 5 भाई मिलके रहते थे और कर्ण किंग के साथ मिलके रहता था, आप सबको पता है, माइनस क्यों करा, ये फॉर्मूला है, पूरा डिराइव करूं क्या, आप बोलो तो डिराइव कर दूंगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसका मल्टीप्लाई करते हो, चलो मैं डिराइव कर ही देता हूं, देखना आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये होगा एक्स की पावर 5 प्लस
आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो x, आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 1/x, आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा x की पावर 5। आपको चाहिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है x प्लस 1/x, इसको माइनस करते तो आपके आंसर ये बचेगा। ठीक है एक से ये प्लस हो गया, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन, अच्छा आंसर भी निकाल दिया, ठीक है। यदि आपको ये चीज देख के रखी है, ठीक है, आपको ये चीज निकालनी है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले इसका क्यूब निकालोगे, क्यूब क्या होगा एन क्यूब माइनस थ्री एन, फिर आपको इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा 25 एन स्क्वायर माइनस टू, फिर उसके बाद आपको माइनस करना पड़ेगा 5 के साथ, ठीक है। तो 125 माइनस 15 तो ये हो जाएगा 110, बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद ये इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 23, जब 23 में से 5 को माइनस, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 5 में से माइनस करना है। 11 मतलब कि हो जाएगा 3, 5, 2 और 0, इसमें से 5 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2525 आंसर। अच्छा मैंने देखते हैं, आएगा आएगा सब कुछ पीछे मिलेगा, सब कुछ पीछे मिलेगा, बिल्कुल। हाँ हाँ, अगर एक जगह यहाँ माइनस रहता और एक जगह प्लस रहता तो ब्रिजिंग फॉर्मूला लगता है क्या? यदि मैम यहाँ पर आपको यहाँ पर प्लस बोला है, यस मैम आप यहाँ पर आपको क्या है प्लस बोला है, और यदि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो माइनस हाँ। वाला आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ा है क्या? नहीं सर, नहीं पढ़ा है। तो आप क्या करते हैं इस समय, आप ब्रिज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे 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 क्लियर होगा। इस कंडीशन में आपको ब्रिज वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब किशन सर ने एक बात पूछी, आप सबको अभी क्लियर कर देता हूँ। यदि x की पावर आपको 1 प्लस 1/x बराबर आपको देके रखा है, सपोज करो 5, ठीक है, आपको निकालना है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकालना है। इस कंडीशन में फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, बात समझना। इस कंडीशन में फॉर्मूला यूज होगा x की पावर क्यूब माइनस 1/x की पावर क्यूब, यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा और बाकी सब जगह प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा और यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, बस खत्म। हाँ लास्ट में माइनस वाला होगा, क्यों देखिएगा इसको अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 5 मिलेगा, आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लस का प्लस का कितना मिलेगा, x मिलेगा। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको माइनस का 1/x मिलेगा, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/x की पावर 5 मिलेगा। ये चीज़ अलग निकालनी है और इसको सॉल्व करना है तो माइनस के साथ करना पड़ेगा, जिसके कारण x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 आपको मिलेगा। नोट कर लेना, ये नोट करने वाली चीज़ है, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है, 5 आंसर है, मतलब 5 के साथ करना है, सॉल्व करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। बस ये चीज़ें समझ में आ गई, इतना एग्जाम में पूछते नहीं, ये केवल मेंस में पूछते हैं, बट आपको एक बार कर लो, ठीक है। चलिए आगे चल दो, ओके अगला क्वेश्चन फटाफट देखिएगा। फोर वन फोर, नहीं गलत है, चलो मैं वो बता दूंगा, 5 मिनट के अंदर बता रहा हूँ, एक सेकेंड। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 39 बराबर 0, देन x प्लस 8 का पावर 5 माइनस 1/x प्लस 8 की पावर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ये क्वेश्चन होमवर्क है, 1 तो होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। चलिए अगला, उसको घर पे करना। अगला क्वेश्चन, इफ एक्स, ओके ओके ओके, टेंशन मत लो, यदि नहीं होगा ना मैं बता दूंगा, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो कि सर आगे थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना वास्ट चैप्टर है, इतना बचा हुआ है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा
हाँ ओके ये हो गया. व्हेन व्हाट इज द वैल्यू. ग्रुप पे किसी ने स्क्रीनशॉट लिया तो डाल देना. एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स की पावर माइनस 6. ये बताओ क्वेश्चन ऑफ द डे. ओके देख लेते हैं. और बताएं और किस किस का आया. अब आपको मिलेंगे प्रोस क्वेश्चंस, प्रो लेवल के क्वेश्चंस. आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, दूसरा क्वेश्चन ऑफ द डे. खतरनाक क्वेश्चंस हैं. चलिए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन हुआ. अरे हाय ना इतना टाइम नहीं. बहुत बड़ा आंसर आ रहा है. नहीं सर. नहीं देखिएगा मैंने बताया था. हाँ देखिएगा देखते हैं सही है कि नहीं. मैं क्या करूँ यहाँ पर कि वैल्यू आ जाए. मैंने x कॉमन लिया. ये हो गया x माइनस 4 प्लस 1 बाय एक्स बराबर 0. तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4. आपको निकालना क्या है x की पावर 6 अपॉन 1 बाय एक्स की पावर 6. 6 कब निकलता है. पावर 6 कब निकलती है. क्यूब करके स्क्वायर कर दो या स्क्वायर करके क्यूब कर दो. बिल्कुल करेक्ट. मैं यदि इसका क्यूब करता हूं तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 12 कितना होगा 52. 52 क्या गया x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब आया. अब मेरे को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि पावर 6 आ जाए. जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा और माइनस 2 करूंगा खत्म. जब इसका स्क्वायर करता हूं तो कितना आ जाएगा. ये हो जाएगा आपका 4 2702 आएगा. 2702 देखना एक बार और क्या आवाज आई है. मैं दो मिनट में बता एक बार और मैं वापिस बता रहा हूँ. एक सेकेंड यहाँ तक आप लोग पहुँच गए होंगे ठीक है. इसके बाद यहाँ पर आपको 6 लाना है. तो 6 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. x की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 लिया. जो आंसर आएगा इसका स्क्वायर कर दो ठीक है. या फिर आप x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 निकालो उसका स्क्वायर कर दो. सॉरी इसका क्यूब कर दो. जो इच्छा हो वो कर दो
ठीक है। यदि आप यहां पर मैं इसका क्या कर रहा हूं, क्यूब कर रहा हूं, तो इसका क्यूब करूंगा तो क्या होता है, एन क्यूब माइनस थ्री एन, तो ये हो जाएगा आपका 64 माइनस 12 जो हो जाएगा 52, ये आ गया आपका एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब 52। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर क्लिक फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 52 इंटू 52 4, ये हो जाएगा 22 27, तो ये हो जाएगा आपका 2704 और माइनस 2 तो आंसर आएगा 2702। बिल्कुल तक गाड़ी पहुंच गई थी, हाँ लगा के कुछ और होगा तो ना, चलने दो गाड़ी को, रुकना नहीं। अगला क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्वेश्चन ऑफ द डे, दोनों के दोनों खतरनाक क्वेश्चन है। कौन सा करवाऊं, पहला वाला दूसरा वाला? पहला वाला तो कोई लिख लिया, मैं कल भी लिया था। अच्छा पहला वाला करूँ, ओके पहला वाला करवा देता हूँ, उसको कंट्रोल सी और डिलीट मारो। चलो क्वेश्चन आपको ये देके रखा है, ठीक है, ये चीज सेम टू सेम अभी अपन ने पीछे सॉल्व की थी, क्या होता है एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर फोर होगा, ठीक है। यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 14। इसका यदि एक और बार स्क्वायर करूँ तो होगा एक्स की पावर 4 प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 बराबर 194, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पुराने पढ़ने पलटाओ, चीजें रिवीजन करो, नल बैठोगे बहुत दिक्कत आएगी। ये सर, स्कूल का 19, 196 माइनस 2, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब अपन बच्चों वाली चीजें नहीं पढ़ रहे, अपन उड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर हुआ, ये इसका स्क्वायर हुआ, अब ये जब वैल्यू आ गई आपकी 194 की जगह आपको क्या लिखना है, यहाँ पर रखना है x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4, यहाँ पर 194 की जगह क्या रखना है, x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4, देखना x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस, ये रख सकते हैं अपन x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इंटू x की पावर 5, ये हो जाएगा 194 की जगह हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 x की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा x, देखना x की पावर 9 प्लस x की पावर 7, इन दोनों को सॉल्व करोगे बेस्ट सेम पावर ऐड होगी, ये हो जाएगा x की पावर 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा x माइनस माइनस के साथ, ये हो जाएगा आपका x की पावर 7 और ये हो जाएगा माइनस का 1 बाय x की पावर 7, ठीक है। 1 बाय x पावर है, ठीक है, यहां तक किसको कोई दिक्कत नहीं? ओ मैंने गलती कर दी, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस लगाना भूल गया, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो एक्स प्लस वन बाय एक्स कितनी वैल्यू आ गई, 4, आंसर आएगा माइनस 4। बताइयो आप सबके दो नंबर पक गए, अब प्रो खिलाड़ी हो गए हो तो चीजें अच्छी आएगी। हाँ वापिस से समझाऊं, कहां से? अरे कैसे कैसेट? नहीं नहीं सर, अगला आ गया, कैसेट तो नहीं अटकी, ओके चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। नोट्स अच्छे बनाते हुए चलना प्लीज, उसको रफ पेज में मत लिखना, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, चीजें सीख रहे हो। फोर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, नहीं एक्स इज ग्रेटर देन मतलब एक्स बड़ा है जीरो से, बस यही लिखा है और कुछ नहीं। No,
नदियों पार करी पहचाना, नदियों पार करी पहचाना, चलना चलना चलना। हे भगवान, अलजेब्रा खत्म हो जाए यार, मेरा मुंह दुख क्या। थ्री बाय एट रूट फिफ्टीन, ओके। क्या सबका आंसर यही आ रहा है? थ्री बाय एट रूट फिफ्टीन, यस सर। ओके, यदि आपको ये चीज देके रखी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर सेवन बाय फोर, तो आपको निकालना क्या है, ये चीज निकालना है। ये चीज निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स, ठीक है। अब ये चीज आपको निकालना है और आपको ये चीज देके रखी है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस टू लगा के रूट, तो ये हो जाएगा आपका एट, एट प्लस सेवन मतलब कि फिफ्टीन, फिफ्टीन बाई टू, ये आ गया आपका एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू। एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है, एन क्यूब माइनस थ्री एन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फिफ्टीन बाय टू रूट फिफ्टीन बाय टू माइनस थ्री बाय रूट फिफ्टीन बाय टू, ठीक है। डायरेक्ट क्यूब 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 क्यूब, हाँ ये बाहर निकाल तो लिया, स्क्वायर करा ही नहीं, डायरेक्ट बाहर निकाल दिया। नीचे वाले बोलो, टू इनटू टू इनटू एट हो जाएगा ना सर, नीचे टू इनटू टू इनटू डिनोमिनेटर में जो है यहाँ पर एट हो जाएगा, एट कैसे होगा, एन क्यूब कर रहे हैं ना, हाँ एन क्यूब कर रहे हैं, और मैंने ओ एक से एक और टू आएगा, सॉरी 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 माय मिस्टेक, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका फिफ्टीन रूट फिफ्टीन अपॉन एट माइनस थ्री बाय फिफ्टीन अपॉन टू। एलसीएम लो, सॉल्व कर दो, एलसीएम लिया, ये हो जाएगा आपका एट, बिल्कुल करेक्ट है, ये हो जाएगा फिफ्टीन और ये हो जाएगा आपका कितना, चार, एक बार लिख दूँ लिख दूँ लिख दूँ एक आधी स्टेप, ये हो जाएगा थ्री रूट फिफ्टीन अपॉन एट आंसर, क्योंकि डायरेक्ट थोड़ा डायरेक्ट अच्छा है, ज़्यादा डायरेक्ट कर दूंगा ना बाल खींचने लग जाएंगे सब। यस बताएं, क्लियर है? हाँ हाँ सर, ये रूट सेवन बाय फोर प्लस टू ये 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 कैसे आया बंटी सर, आपने कॉपी के पन्ने पलटा के देखे नहीं, चलो कोई बात नहीं, देखना यहाँ पर क्या हो रहा है बंटी सर, ये जो चीज है अपन कर रहे हैं x की पावर टू प्लस वन बाय एक्स की पावर टू है, यदि आपको n देख के रखा है तो आपको यदि x प्लस वन बाय एक्स निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस टू करो, इसका अंडर रूट कर दो, मतलब ये आ जाएगी आपकी एन की वैल्यू, मतलब एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए कहता था कि कॉपी के पन्ने पलटा के रखो, बहुत दिक्कत आने वाली है। ये वाला था मेन, अभी तो और आएंगे, हाँ ये क्वेश्चन ऑफ द डे कल लोगे यार, मेरे को ऐसा लग रहा था, ठीक है एक और देता हूँ, एक और क्या, अभी तो बहुत भर पल्ले देना है, ये वाला तो करवा चुका हूँ, ठीक है ये दिया जा सकता है। इफ 3x प्लस 1 बाय 3x प्लस 2 बराबर 0, ध्यान रखना बिना पढ़े पुराना मेरी क्लास अटेंड करोगे कुछ भी समझ में नहीं आना है, अब नहीं आना है, ठीक है। और आप लोगों को लगता होगा कि कंटिन्यू एलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, नहीं मैं कभी भी कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, तो आपका ही लॉस होगा यदि क्लास छोड़ोगे, इससे ज़्यादा अच्छा है पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा।
चलो ये क्वेश्चन कैसे कर नीचे स्क्वायर हाँ 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 ऊपर एक्स की पावर सेवन ओ नो गलत क्वेश्चन पकड़ा दिया मैंने यस बताएं बोला भी करा दूं सर मैं करवा दूं जी बिल्कुल करवा देता हूं भास्कर जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड करना कहते रहे उनको छोड़कर बाकी लोगों को देना क्लास के बाद ओके मेरे पास मैसेज आ गया है राहुल सर का मैसेज है भास्कर जिन्होंने क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी इरेगुलर स्टूडेंट है ग्रुप से बाहर कर दें आज तो मैं भर पल्ले बाहर करूँगा मजे आएंगे मेरे को मैं इतना मन में दुखी होता हूँ पर क्या करूँ ध्यान रखना है गाइस ये प्रो क्वेश्चन है ठीक है इस क्वेश्चन को देख के हर बच्चा डरता और नहीं यार ये तो आता होगा ये मेरे को सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने आपको डराने के लिए दिखाया है ठीक है ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है ओरिजिनल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा इफ कॉन्सेप्ट समझना इफ x प्लस वन बाय एक्स बराबर टू इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई वन हो गई यदि इफ x प्लस वन बाय एक्स बराबर माइनस टू तो क्या होगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन खत्म कॉन्सेप्ट अब क्वेश्चन देखते हैं अब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है देखिएगा ये हो जाएगा 3x प्लस वन बाय 3x बराबर माइनस टू तो यहां पर 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री यहां पर x की वैल्यू पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 243 माइनस वन बाय थ्री की पावर 7 प्लस 1 बाय 81 1 बाय 3 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 343 मतलब कितना हो जाएगा 7 कितना होगा यदि मैं 3 की पावर 5 करता हूं तो 343 होता है और 3 की पावर 2 करता हूं तो 9 होगा ठीक है तो ये बचेगा 1 बाय 9 माइनस का प्लस इसका स्क्वायर कर रहा हूं पॉजिटिव होगा तो 1 बाय 9 होगा पॉजिटिव का ये दोनों कैंसिल आउट हुए आंसर आएगा 0 सर यस मैम ये यहाँ पर स्टार्टिंग में 3x plus equal to 1 minus 1 ये देखो ये माइनस टू दे के रखा है ठीक है इसका मतलब यदि ये चीज माइनस टू दे के रखी है इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये इन दोनों का सम कितना होगा माइनस वन माइनस वन तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो माइनस टू आ रहा है इसका मतलब कि जो 3x है वो किसके बराबर है माइनस वन के तो x की वैल्यू कितनी आ गई ओहो बताएं क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं अंदर से लग रहा है ऐसा ठीक इतने खराब क्वेश्चन से अब तो ऐसा लग रहा था कि क्या था अपन कितना बड़ा समझ के बिल्कुल फैक्ट है और एक बात बोलूं ये क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना और एनालिसिस करते हो उस समय देखना और मैं सच्चे बता रहा हूँ ये तो जो अभी लगा ये क्वेश्चन क्यों लगा सकते हैं यदि माइनस टू होता तो पक्का लगाते हैं यहाँ पर माइनस टू कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर 7/4 है यहाँ पे 4 आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे क्या रख के अपन 4 कर सकते थे नहीं यदि यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखते तो यहाँ पे 2 होता और 1 बाय 2 होता तो वैल्यू डिनोमिनेटर में आती जो चीज है ना सबसे सिंपल हो सकती है ना मैं कोशिश करूंगा वैसे समझाऊ बेफिकर नो टेंशन सब टनाटन ठीक है अगला कॉन्सेप्ट अगले आगे चलते हैं ठीक है प्लीज अनुरोध है क्लास पढ़ के अटेंड करो प्लीज 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 मैं सच्ची बता रहा हूँ ये क्लास आपको वापस मिल तो जाएगी पर टाइम नहीं मिलेगा जो आपने एक घंटा यहाँ पर दिया है ठीक इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर वन इसका मतलब क्या हो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स
क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस x प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है। यहां से आपको क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं ज्यादा बेस्ट है, बिना टाइम वेस्ट करें चलेगा, ठीक है। सब राजी हो? अरे यार ये कोई बोलता ही नहीं मेरे को, ठीक है। इसका मतलब यहां से एक दो तीन चीज लिख देता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या होगा मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। देखिएगा ये तो हो गया आपका माइनस वन, ठीक है। इसके कारण एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, माइनस वन होगा, ठीक है, ये नोट कर लेना। और एक और बात, एक्स क्यूब बराबर माइनस वन होगा, सर ये कैसे होगा ये चीज देखना, एक्स क्यूब प्लस वन बराबर कितना नहीं पता, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस है, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वन लगता है, ठीक है। और ये जब आ गया वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन आ गया और ये चीज आ गई है, यहां पर क्या रखूं जीरो आएगा, सोचो अरे ये इक्वेशन जीरो के बराबर है तो यहां पर जीरो रखूंगा तो ये हो जाएगा ना एक्स क्यूब प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, माइनस वन। चीज समझ में आई नहीं आई, वापिस से समझाता हूं, देखना इसको थोड़ा इधर खिसका देता हूं, एक छोटा और करता हूं, इधर खिसकाता हूं, एक छोटा और करता हूं, इसको इधर खिसकाता हूं, बात समझना। यदि एक्स क्यूब प्लस वन बराबर जीरो है, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, क्या होता है ए क्यूब सॉरी ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। यहां पर ये चीज करी मैंने, एक्स प्लस वन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ये चीज सेम टू सेम ऐसी कैसी दिख रही है, बिल्कुल हाँ दिख रही है, तो ये जीरो हो गया। यदि ये जीरो हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वन बराबर कितना हो गया जीरो, तो एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया माइनस वन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन कैसे आएंगे, इफ यदि एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर वन है, देन एक्स की पावर 78 प्लस वन बाय एक्स की पावर 78 बराबर कितना, अच्छा एक क्वेश्चन करवा दूं, देखना आपको सबको क्या पता है, ये चीज आ गई, यदि ये चीज आई है इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, इसका मतलब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वन बराबर जीरो, इसका मतलब क्या होगा, एक्स क्यूब बराबर माइनस वन, ये सारा का सारा होगा, एक दो तीन चार, ठीक है, ये सारे की सारी चीजें हो रही हो रही हो रही, ठीक है। अपन को यहां पर एक्स क्यूब बनाना है, इस चीज को एक्स क्यूब बनाओगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 75 अलग करो, एक्स की पावर 3 अलग करो, क्या कर रहा हूं सॉरी, ये 3 का मल्टीपल है तो इसको लिख सकता हूं एक्स की पावर 3 और ये हो गया 26 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 3 और ये हो गया 26, ठीक है। ये चीज ये हो गया 1, ठीक है, देखना ये हो गया आपका 1 माइनस का, पर पावर क्या है इवन है तो ये प्लस का 1 हो गया, और ये क्या है माइनस का 1, पावर इवन है तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस 1 2 आंसर, बताएं। अगला एक्स की पावर, ओके चीजें नहीं समझ में आ रही मेरे को, प्लीज रोक देना। हाँ मैडम ये चीजें समझाई तो थी, वापिस से समझना कोई दिक्कत नहीं, वापिस समझा रहा हूँ, चलो देखिएगा देखिएगा देखना 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 यदि मैं एक्स क्यूब की बात करता हूँ, एक्स क्यूब की, ठीक है, एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वन क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, तो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ठीक है,
ये वाली जो आपका इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है सेम टू सेम है, ठीक है। प्लीज प्लीज यदि आप लोग नोट कर रहे हो ना तो नोट करने के लिए मेरे को बोल दिया करो, मैं जब समझाऊं तब मत नोट किया करो, सिर्फ फोकस करा करो, स्क्रीनशॉट लो स्लाइड का और जो बाद में कॉपी में लिखा करो, ताकि आपका एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ समझ में आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ठीक है। ये किसके बराबर है, जीरो के, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वन बराबर एक्स प्लस वन, ये हो गया जीरो। ये जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बराबर जीरो, ये हो गया जीरो। हुआ यहां पर यदि ये चीज देख के रखी, इसका मतलब ये जीरो होगा, होगा। अरे मैम होगा कि नहीं होगा? यस सर। फिर उसके बाद यदि वन को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर माइनस वन, ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन जो है आपका, एक्स की पावर टू सॉरी 203 प्लस एक्स की पावर 200 प्लस एक्स की पावर 188 एक्स की पावर 185 एक्स की पावर 140 एक्स की पावर 137 एक्स की पावर 102 एक्स की पावर 99 एक्स की पावर 100 एक्स की पावर 102 लिख देना, 100, और ये हो जाएगा एक्स की पावर कितना 98। बताओ कितना, एक मिनट सर, कल वाले जैसे ही क्वेश्चन सेम है सर। वो कॉमन निकल के ही होगा, तो लास्ट में एक्स पावर 100 और एक्स पावर 98 है। हाँ 100 और 98 है, यस सर। माइनस वन हाँ जी बताओ, और किसी का कुछ आयो आंसर? अरे हमारा मैडम कहाँ गई, हिमानी मैम? अरे सर मैं यही हूँ। यस सर एक सेकेंड। ओके मैम। निमिषा मैम कहाँ गई, हमारी गेस्ट? निमिषा मैम। यस सर माइनस वन आ रहा है आंसर। ओके समझ में आ रहा है ना निमिषा मैम? नहीं नहीं नहीं, मेरा माइक खराब हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। मैम बोल रही हैं, हेलो प्रिया मैम आपको भी समझ में आ रहा है? अरे बोला करो यार, आप लोग कुछ नहीं बोलते इसलिए नाम लेता हूँ। सुरभि मैम, बाप रे बाप, यस सर आ रहा है समझ में। ओके बाकी सब बोलते हैं, एक और जना कोई था भग गया। ओके मैम, यशस्वी मैम गायब है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। यदि इन दोनों में से पेयरिंग कर लो, ये दो ये दो ये दो ये दो, बस
ठीक है। अब बात समझना, यदि मैं इन दोनों में से x की पावर 200 लूं तो बचेगा क्या x क्यूब प्लस 1। इन दोनों में से x की पावर 185 लूं बचेगा कितना x क्यूब प्लस 1। इन दोनों में से x की पावर 135 लूं, सॉरी 7, बचेगा कितना x क्यूब प्लस 1। इन दोनों में से 99 लूं x की पावर, ये अलग है हाँ, तो बचेगा कितना x क्यूब प्लस 1। आप सबको पता है क्या सर, क्या पता है कि x प्लस 1 बाय x बराबर 1 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x होगा, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x बराबर 0 होगा, इसका मतलब x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 होगा, इसका मतलब x क्यूब बराबर माइनस 1 होगा। ये चीज़ आपको पता है, बिल्कुल पता है, ठीक है। इसका मतलब x क्यूब प्लस 1 ये क्या हो गया 0 0 0 0, ये सारी चीज़ें कितनी हो गई 0। बचेगा क्या x की पावर 100 प्लस x की पावर 98। यदि मैं दोनों में से x के पावर 99 कॉमन निकालूं तो ये होगा x की पावर x प्लस ये हो जाएगा 1 बाय x, ठीक है। x की पावर 99 मतलब कि 3 का मल्टीपल, ये क्या हो गया माइनस 1, और x प्लस 1 बाय x कितना होता है 1, तो ये हो गया 1, तो आंसर आएगा माइनस 1। बताएं सर, ये जो लिखा हुआ x plus 1 by x बराबर 1, ये लिखा होगा ना क्वेश्चन में if x plus 1 by x। हाँ ये लिखा होगा if, ये आप सुनो, आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दे सकता है, x square plus 1 by 1 minus x बराबर 0, ये दे सकते हैं if लगा के, या फिर if लगा के ये दे सकते हैं कि x cube बराबर minus 1, ये दे सकते हैं, या फिर if लगा के ये दे सकते हैं कि x cube plus 1 बराबर 0, ये दे सकते हैं, या फिर इफ लगा के आपको ये दे सकते हैं एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर वन, ये दे सकते हैं, इन चारों में से कुछ भी दे सकते हैं। यदि ये दिया तो इसका मतलब कि ये होगा ये होगा ये होगा, यदि ये दिया इसका मतलब ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, यदि ये दिया इसका मतलब ये होगा ये होगा ये होगा, यदि ये दिया ये होगा ये होगा ये होगा, होगा तो सभी बिल्कुल फैक्ट है। हाँ जी बताए, चीज़ें समझ में आई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, देन एक्स की पावर 208 प्लस एक्स की पावर 2019। ये क्वेश्चन अलग है सर। बिल्कुल फैक्ट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना, ठीक है। और गाइस आज थोड़ी सी क्लास छोटी रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा